हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, आज के मेरे वीडियो में मैं आप सभी के साथ वॉ का ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल का रिव्यू करूंगी। काफ़ी अच्छा हेयर ऑयल है और सभी जानते हैं कि वॉ के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। मैंने एक इससे पहले भी शैम्पू पे वीडियो बनाया था, वो भी काफ़ी अच्छा था, वो मैंने यूज़ किया। सो गाइस, ये भी ऑनियन का है, ये काफ़ी अच्छा हेयर ऑयल है और उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है जिनको ऑनियन को मिक्सर में ग्राइंड करके अपने हेयर में लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो उसकी जगह आप ये रेडीमेड हेयर ऑयल लगाइए, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइस, मैं यही कहना चाहूँगी कि इसकी पैकेजिंग कैसी है, सो उसके बारे में हम देख लेते हैं। सो ये कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में है और इसका जो प्राइस है वो 599 रुपीज़ इसका प्राइस है। बट अगर आप इसे ऑनलाइन लेंगे तो आपको वहीं ये सस्ता मिल जाएगा। और साथ ही मैं आपको ये भी कहूँगी कि इस पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का येलो डॉट है, और ग्रीन कलर का डॉट होने का मीन्स ये है कि इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो नॉनवेज हो। सो काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं और ये काफ़ी अच्छा है। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। स्वीट आलमंड ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, मोरकन ऑयल है, कोकोनट ऑयल, ऑनियन सीड, इन सारे ऑनियन सीड से मिलकर ये बना है। सो काफ़ी अच्छा 100% प्योर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ब्लेंड। सो गाइस, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बेस्ट है और आपको काफ़ी पसंद आएगा। अब देखते हैं ये अंदर से कैसा है। सो गाइस, अंदर से कुछ इस तरह की ब्राउन ट्रांसपेरेंट बॉटल है जिसमें यह है कि जितना आप ख़त्म होगा आप जब यूज़ करेंगे आपको इजीली पता चल जाएगा। और इसमें ये पंप है, जितना आपको चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग इसे अपने हाथ में निकाल सकते हैं। सो काफ़ी बेटर है और इसकी जो फ्रिक्वेंस है वो भी काफ़ी लाइट है। सो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा। सबसे अच्छी इसमें जो स्मेल आ रही है वो जोजोबा ऑयल की, जो बहुत ही अच्छा जोजोबा लेवेंडर ऑयल की। और साथ ही साथ इसमें लिखा है ये नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रेसी हेयर ऑयल है। कई हेयर ऑयल आपने देखे होंगे कि लगाने के बाद हेयर कितने ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं और बहुत अजीब सा लगता है, और जब हम शैम्पू करते हैं तब भी वो हेयर ऑयल निकलता नहीं है। सो ये नॉन स्टिकी है, सो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपके हेयर को सिल्की बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा। अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, आपने देखा होगा अभी जो वेदर चल रहा है, इस वेदर में हमारे हेयर बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो रहे हैं, रफ़ हो रहे हैं। मुझे खुद को भी इस तरीके से थोड़े बहुत हेयर अपने डैमेज और रफ़ लग रहे हैं, सो मैं भी इसे यूज़ करूँगी, काफ़ी बेटर है। और इसे मैंने पहले भी यूज़ किया था, इसीलिए मैंने इसे दोबारा ख़रीदा है। बट पहले जब मैंने इसे यूज़ किया था उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। अगर आपकी भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और हेयर बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं और पतले होकर झड़ रहे हैं, सो आप इसे एक बार ज़रूर यूज़ करके देखिए। यकीन मानिए आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और हम सभी जानते हैं कि ऑनियन हमारे हेयर की ग्रोथ को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। हेयर को मिनरल ऑयल्स, कोई सिलिकॉन्स नहीं है और ये 200 ml की इसकी क्वान्टिटी है। सो ये काफ़ी बेस्ट है, आप इसे यूज़ करके देखिए, यकीन मानिए आपको ये काफ़ी पसंद आएगा। मैंने इसे पहले यूज़ किया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इसे दोबारा ख़रीदा है और मैं इसे वापस यूज़ करूँगी, क्योंकि रेनी सीज़न में हमारे हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और रफ़ हो जाते हैं। और अभी वेदर ही ऐसा चल रहा है जिसमें सबके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होकर हेयर फॉल हो रहा है। सो गाइस, कुछ क्या होता है बालों का हेयर फॉल होने का रीज़न होता है हमारा पानी। अगर आप खारे पानी से आपके बाल धो रहे हैं तो उस वजह से भी आपके हेयर फॉल होएगा और आपके हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज और रफ़ हो जाएंगे। सो जब भी आप अपने हेयर को धोएं तो जहाँ तक हो सके मीठे पानी से ही आप अपने बालों को धो सकें, धोएं, जिससे क्या होगा आपके हेयर ख़राब भी नहीं होंगे और आपके हेयर सिल्की और सॉफ्ट होंगे। और उसके बाद ये ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल यूज़ कीजिए, यकीन मानिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नॉन स्टिकी है, सो आपको बालों में चिपचिपापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। मैंने इसे यूज़ किया, काफ़ी अच्छा है, आप इसे यूज़ कीजिए। यूज़ करने के बाद इसके जो रिज़ल्ट हैं वो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और साथ ही गाइस, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताया करो कि आपको कैसी वीडियो देखना अच्छा लग रहे हैं। और अब मैं फेस के साथ वीडियो बनाने लगी तो मुझे ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं।